नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। अभी की सबसे बड़ी खबर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सामने आ रही है। दरअसल यशवंत सिन्हा के साथ कांग्रेस पार्टी ने विश्वासघात किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी का समर्थन शुरुआती दौर से यशवंत सिन्हा के साथ रहा, लेकिन आज जब चुनाव के वक्त वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई तो असम से कम 20 कांग्रेस विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में अपना वोट दिया है। और इस खबर के सामने आने के बाद विपक्षों में अब तहलका मचता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल AIDUF विधायक करीम उद्दीन बुड़भुइया ने दावा किया है कि असम में कम से कम 20 कांग्रेस विधायकों ने NDA के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में अपना वोट डाला है। उन्होंने आगे दावा किया कि उन्हीं कांग्रेस विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में भी उनके उम्मीदवार के साथ विश्वासघात किया था। और ऐसे में अब देखा जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा की मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के जिस तरह से 20 विधायकों ने यहां पर मुर्मू का समर्थन किया है, इसके बाद मुश्किलें यशवंत सिन्हा की बढ़ने वाली है। और ऐसे में यशवंत सिन्हा की जीत पर एक बार फिर से बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। यहां विपक्ष पर भी सवाल हो रहे हैं कि आखिर विपक्ष की तरफ से कांग्रेस पार्टी जो अपना समर्थन दिखा रही थी यशवंत सिन्हा को, ऐसे में उनके विधायकों के क्रॉस वोटिंग के बाद क्या मुश्किलें कांग्रेस पार्टी की बढ़ने वाली है। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।